बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कतर में जॉब कैसे मिलेगी। ठीक है, अब कतर में जॉब इस तरह मिलेगी जिस तरह मैं इस वीडियो में स्टेप बता रहा हूँ। उन स्टेप को फॉलो करें तभी जॉब मिलेगी। अभी काफ़ी लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं कि सिक्योरिटी की जॉब्स ओपन है कतर में, क्या इस ये जॉब ओपन है, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मैं 6 महीने से रूम में हूँ, मैं 10 महीने से रूम में हूँ, मैं 15 दिन से रूम में हूँ, मैं कतर आ रहा हूँ, क्या आप मेरे लिए जॉब तलाश कर देंगे। इस तरह के मुझे सवाल आते हैं। आज की वीडियो में हम क्लियर कर देंगे कि कतर में सिक्योरिटी की जॉब इस वक्त लग रही है, क्या कतर में जॉब्स अदर जॉब्स यानी और भी जॉब्स हैं सिक्योरिटी से हट कर, वो जॉब्स लग रही हैं, क्या आपको कतर आना चाहिए जॉब के वीज़े पर। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लोग कतर आ रहे हैं और मुझे कहते हैं कि आप हमारे लिए जॉब तलाश कर देंगे, जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इधर टाइम किसी के पास नहीं होता। ठीक है, हाँ, अगर वो बंदा आपकी जॉब तलाश कर सकता है जो बंदा इधर कार है, जिसके पास कार है और वो आने जाने में उसको मुश्किल नहीं होती। ठीक है, अभी मेरे पास ना कार का लाइसेंस है और ना ही मेरे किसी दोस्त या रिलेटिव कोई भी फैमिली मेंबर उसके पास भी कार नहीं है। अब लोग तो इधर मेरा कोई जानने वाला भी नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। दोस्त वगैरह आप बोलेंगे कि आपके किसी दोस्त के पास नहीं, अगर मैंने कहीं जाना हो या कुछ भी हो तो कंपनी की कार से ही मैं चला जाता हूँ। ठीक है, और कंपनी की कार ये नहीं है कि मैं घूमने जाऊँ तो वो मुझे देंगे, नहीं, ड्राइवर होता है साथ, वो लेके जाता है और आता है, ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, इसलिए मुझे मुश्किल होती है। आपके लिए जॉब मैं कैसे तलाश करूँ ये बताएं। अगर मैं गाड़ी से जाऊँगा ऊबर करा कर या क्रीम ऐसी गाड़ियाँ करवा कर, तो वो 40 रियाल जाने का, 40 आने का, उसके बाद जॉब, अब मेरी खुद की जॉब है, उसको टाइम देना है, ठीक है, और आराम करना है, सोना भी है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, हाँ, अगर किसी के पास कार है तो वो किसी भी टाइम जा सकता है, यानी अभी मैं फ्री हूँ, अगर मेरे पास कार हो, मेरे पास लाइसेंस हो, तो मैं किसी भी टाइम निकल कर जॉब सर्च कर सकता हूँ आपके लिए, लेकिन मेरे पास इस वक्त लाइसेंस नहीं है। उसके बाद दूसरी ये जो सवाल पूछा जाते कि मैं 15 दिन से रूम में हूँ, मैं 20 दिन से रूम में हूँ, 1 महीने से रूम में हूँ, 10 महीने से रूम में हूँ, तो उनका यही मैं कहना चाहता हूँ उनको कि आप बाहर निकलें, रूम में बैठे आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, आप बाहर निकलें, अपने कागजात, अपनी तलीमी कागजात, अपनी CV वो लेकर निकलें, फिर ही आपको जॉब मिलेगी। उसके बाद जो तीसरा सवाल है कि कतर में जॉब कैसे मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर भी मैं बात करता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कतर में इस वक्त जॉब्स लग रही हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी लग रही हैं, लेकिन लग रही हैं। सिक्योरिटी की काफ़ी वैकेंसीज पिछले महीने ओपन हुई थी, कतर से ही हायरिंग हो रही थी और पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, इन कंट्री से भी लोग, ज़्यादा पाकिस्तान से लोग आ रहे थे सिक्योरिटी के वीज़े में। ठीक है, मैंने देखा भी है, पूछा भी है, ताकि इस वीडियो में मैं आंसर दे सकूँ, इसलिए। तो काफ़ी सिक्योरिटी के वीज़े पाकिस्तान भी गए हुए थे और कतर से भी हायरिंग हो रही थी। आप अपना इधर ध्यान रखा करें, अगर आपका कोई जानने वाला है वो आपको वीज़ा निकाल कर दे सकता है सिक्योरिटी से। ठीक है, तो अगर हमारी कंपनी में अगर कोई वैकेंसीज होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर तो आप कतर में हुए तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, अगर आप पाकिस्तान में हुए तो कुछ ना कुछ करके आपके कागजात जमा करवाएंगे। ठीक है, मुश्किल की बात नहीं। अगर किसी और कंपनी में वैकेंसीज ओपन हो रही हैं तो मुझे नहीं ना पता लगेगा कि किस कंपनी में इस वक्त वैकेंसीज ओपन है। मुझे आज ही पता लगा है कि पिछले महीने काफ़ी लड़के, यानी 2000 के करीब लड़के एक कंपनी ने रखे हैं। तो अभी ये तो बात होगी सिक्योरिटी के जॉब्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि कतर में जॉब्स कैसे मिलेगी। कतर में जॉब्स मिलेगी, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप वेटर में जाना चाहते हैं, आप क्लीनर में जाना चाहते हैं, आप सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रीशियन में, आप प्लम्बर में, कोई एक काम होगा ना जिसमें आप काम करना चाहते हैं, उस काम के जो कंपनीज हैं उनको विज़िट करें, जो ये कंपनी काम करती है ना, जैसे क्लीनर की कंपनी है, गूगल मैप से उनकी लोकेशन निकालें, उनके ऑफिस जाएं, उनको बोलें मैं क्लीनर का काम, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा ये कागजात मेरे देखें,
अगर तो उन्होंने रखना होगा तो वो रख लेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने नहीं रखना होगा तो आप अगले ऑफिस जाएं, अगली कंपनी जाएं, ज़रूरी नहीं है हिम्मत हार कर बैठ जाना है, आप नेक्स्ट कंपनी को विजिट करें, ठीक है। इसी तरह आप कोशिश करें, अगर फिर भी नहीं मिल रही तो फिर आप यही करें कि आप पाकिस्तान जहाँ से भी आप आएँ वहाँ जा सकते हैं। आपको पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आप आज़ाद वीज़े पर इस वक्त ना आएँ, ठीक है। काफ़ी लोग आज़ाद वीज़े पर इस वक्त मौजूद हैं और कहते हैं कि हमारे जॉब्स नहीं लग रही, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, खर्चे पे खर्चा हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं। इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आज़ाद वीज़ा आपने 9 से 10 लाख का लेना है, इतना ही खर्चा आ जाता है। उसके बाद आपने इधर आकर कतर में आकर खाना खुद, रहना खुद, आपने यहाँ से कहीं और जाना है तो ट्रांसपोर्ट खुद करना पड़ता है, जिसमें अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। इसलिए आप कोशिश करें वर्क वीज़ा लेकर आएं, वर्क वीज़े के काफ़ी फायदे हैं, ठीक है। आपका ना खर्चा ज़्यादा होता है, एयरपोर्ट पर पैर रखते ही आपकी सैलरी शुरू हो जाती है। तो ये है आपके वर्क वीज़े के फ़ायदे। जॉब्स कैसे मिलेगी, सिक्योरिटी के वीज़े लग रहे हैं, फुल इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दे दी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।